ये लग भी बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छी साइड डिश होती है। मेलन ऑरेंज मेलन और रेड वाटरमेलन तो सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम आए हैं फिर से एक और चैलेंज लेके, और आज का चैलेंज है रेनबो चैलेंज। रेनबो, यस गाइस, आज हम खाएंगे रेनबो फूड फॉर 24 आवर्स। हमारा फिर से ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब रेनबो कलर में होगा, और आज इसीलिए मैंने पहनी है ये रेनबो कलर कुर्ती। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं अपना रेनबो फूड चैलेंज। और अब फर्स्ट मील है हमारा ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बना रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और बहुत ज्यादा वायरल है, और बहुत ज्यादा आपने सोशल मीडिया पे चेक की होगी, कलरफुल चीज पुल टोस्ट। तो हम वही बनाने जा रहे हैं। पहले मोजरेला चीज को ग्रेट करके 4 कटोरी में अलग से डिवाइड कर लीजिए। अब उसमें फूड कलर ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो कलर मिक्स कर लीजिए और इसको अलग से रख दीजिए। अभी ब्रेड स्लाइसेस लेकर उस पर चारों कलर की चीज को स्प्रेड कर दीजिए। आपको इसमें चीज को मिक्स नहीं करना, अलग अलग से एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में इनको स्प्रेड करना है। मैंने दूसरे स्लाइस पे थोड़ा सा पिज्जा सॉस भी अप्लाई कर दिया था, जिससे इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए, और साथ में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सॉल्ट और पेपर भी ऐड कर दिया था। अभी दूसरे स्लाइस से उसको कवर कर दीजिए, और मैंने अभी इस पे थोड़ा सा मेल्टेड बटर अप्लाई कर दिया है। अब इसको आप तवे पे अच्छे से ग्रिल कर दीजिए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। गाइस, आप देख सकते हो मेरे कलर्स, रेनबो कलर्स दिव्या सी। तो रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कलर आप देख सकते हो। आई लव दिस हैक, और मैंने फर्स्ट टाइम ये हैक ट्राई किया है। दिस कम आउट सो प्रिटी वेल। तो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। तो बहुत बड़ा है। ये दीवी को स्लाइम लग रहा है। तभी अब दीवी ट्राई करके हमको बताएगा कि दीवी को कैसा लग रहा है। ट्राई, डू यू लाइक इट? हम भी ट्राई, अभी मैं भी इसको ट्राई करती ना। प्रॉपर चीज का टेस्ट आ रहा है, और पिज्जा सॉस डालने की वजह से इसमें टेस्ट आ गया। अदरवाइज मुझे लगता है अगर खाली चीज हम डालेंगे ना तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, काफी ब्लैंक लगेगा। तो मेरी बटर और चीज सॉस की वजह से, पिज्जा सॉस की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। गाइस, ये तो हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। सुपर यम्मी, बहुत टेस्टी बना गया। तो हम आपसे मिलते हैं लंच में। लंच में करेंगे हम कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा। गाइस, हम लंच में बनाने जा रहे हैं कलरफुल रेनबो पास्ता। इसका रेसिपी है, मैंने फसली पास्ता लिया है जो कि 3 कलर्स में आती है, ग्रीन, ऑरेंज और येलो। और इसके साथ मैं मिक्स करूंगी सम कलरफुल वेजिटेबल्स, येलो, ग्रीन, रेड बेल पेपर है हमारे पास, अनियन है, कॉर्न है, ब्रोकली है, इवन कैरेट है। तो हमारे यहाँ पे काफी सारे कलर्स हो गए हैं। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पास्ता उबल रहा है जो कि ऑलरेडी कलरफुल पास्ता है। और इधर मैं वेजिटेबल्स जो कि रेनबो कलर्स वेजिटेबल्स हैं इनको सोते कर रही हूँ, ओरिगानो और चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल के साथ। ये थोड़ी सी क्रंची रहेंगे, हम इनको ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इनको थोड़ी देर सोते करना है, फिर हम पास्ता और इसको सबको मिक्स कर देंगे। अगर आपको सॉस ऐड करनी है आप कोई भी सॉस ऐड कर सकते हो, व्हाइट सॉस, रेड सॉस, आपका प्रॉपर पास्ता रेडी हो जाएगा। A few moments later. Wow, यार, this looks so beautiful. ये पास्ता बहुत अमेजिंग लग रहा है गाइज, और इतना ज्यादा कलरफुल और टेस्टी पास्ता, ऊपर से हेल्दी,
क्योंकि इसमें कोई सॉस नहीं है, हमने कोई क्रीम व्रीम नहीं ऐड किया जिससे इसकी कैलोरीज इंक्रीज हो, सब थोड़ा सा सॉल्ट पेपर के साथ सोते किया हुआ है हमने ऑलिव ऑयल में वो भी, और पास्ता भी हमारा सूजी का है, मैदे का नहीं है। तो इट्स रियली गुड ऑप्शन फॉर लंच। मैंने वही वेजिटेबल ऐड की थी जो मुझे इजिली मिल गई। तो इसके बाद हम मिलते हैं आपसे इवनिंग स्नैक्स में। स्नैक्स हम खा रहे हैं कलरफुल फ्राइज। अब देखो ये रेनबो कलर फ्राइज कितनी क्यूट, कितनी अमेजिंग सी लग रही है, कलरफुल सी। तो लेट्स फ्राई देम। आप में से कितने लोगों को फ्राइज पसंद है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। इस पे अगर चाट मसाला डाल के खाओ ना तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ये ना बहुत ज्यादा फुले नहीं बने, मतलब ये अच्छे लगते हैं ऐसे खाए। आई लव फ्राइम कलर्स होते हैं। फ्राइम के साथ मैं ब्यूटी ऑब्वियसली मैंने ये जुगाड़ किया है। पेपर कप को मैंने रेनबो कलर से पेंट किया था लेकिन थोड़ा सा ये फैल गया है। हमने यहाँ पे रेड येलो ग्रीन ब्लू सारे कलर्स किए थे और अब रेनबो टी तो पॉसिबल नहीं है तो मैंने सोचा ऐसे ही जुगाड़ कर लेते हैं, बिकॉज इवनिंग में टी तो चाहिए चाहिए। तो आप में से किस किस को फ्राइम्स और टी ऐसे पसंद है खाना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्रंच देख रहे हो कितना आ रहा है गाइस। फ्राइम के साथ है हमारे पास कुछ कलरफुल कैंडीज लाइक छुपा छुप, मल्टी कलर्स में छुपा छुपा है हमारे पास ये मल्टी कलर्स रेनबो कलर्स में कैंडीज है। और ये तो आई थिंक सबको पता होगा, सबको पसंद होंगी ये शुगर कॉटेड कैंडीज जेली कैंडीज, ये तो मेरी फेवरेट है। और इनके साथ जैम रेनबो कलर जैम्स। ये तो हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। हम आपसे मिलते हैं अपने डिनर टाइम में, और डिनर टाइम में हम बनाएंगे कुछ एक कलरफुल आइटम। जब हम डिनर में बना रहे हैं अपना फ्रूट सैलेड, तो फ्रूट गाइस हमारा फ्रूट सैलेड रेडी है फॉर डिनर। आप देख सकते हो इसमें 7 कलर्स हैं। ये हमारा वॉलेट ब्लू कलर हो गया, ये हमारा ग्रीन से कीवी, और वॉलेट कलर से जामुन है हमारे, और यहाँ पे येलो कलर में हमने लिया है मैंगो और पीचेस, और इधर हमने लिया है ऑरेंज में मेलन, ऑरेंज मेलन, और रेड में हमने लिया है वाटरमेलन। तो सी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लव दिस। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, इवन मैंने इसमें रेड पूरा बॉल भर के फ्रूट कट किया पूरी फैमिली के लिए। तो इसमें बहुत सारे और भी फ्रूट्स हैं जो मेरे छोटे से प्लेटर में नहीं आए, तो ये सबके लिए है। तो मतलब दिव्यम के लिए, विवेक जी के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना ये फ्रूट सैलेड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। तो रात को ना वैसे भी लाइट खाना चाहिए, तो हम लोग लाइक फ्रूट सैलेड ये सब ज्यादातर प्रेफर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि हैवी भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सैलेड खाते हैं। समर्स है, इतनी गर्मी है, आपको ठंडा ठंडा फ्रूट सैलेड अगर आपको मिल जाए ना, या कोई और सैलेड ठंडा ठंडा मिल जाए तो मजा आ जाता है। मैंगो तो समझ से फ्रूट्स इतने ज्यादा मस्त होते हैं, समझ में जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने सीजनल फ्रूट्स आते हैं बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। के साथ अभी मैं चलती हूँ उन लोगों के पास, उनको लोगों को भी भूख लग गया तो उनके साथ शेयर करते हैं, आपसे मिलते हैं डेजर्ट में। तो ये फ्रूट सैलेड है इन सबके लिए। दिव्य कम एंड टेस्ट, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है दिव्यम? माय फेवरेट
आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? कुकम्बर। यू लाइक कुकम्बर? तो गाइज हमारा हो चला है डेजर्ट का टाइम और डेजर्ट में हम खा रहे हैं रेनबो पेस्ट्री। अगर आपने मेरा केक ईटिंग चैलेंज फॉर 24 आवर्स देखा हो तो हमने उसमें खाया था रेनबो केक। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी और ऊपर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। और रेनबो केक सी द लेयर्स, आई लव दिस कलरफुल लेयर्स, सो अमेजिंग। मुझे ना ये ऐसे रेनबो कलर्स ना बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये क्रीम होती है ना ये थोड़ा कम अच्छी लगती है। इवन मुझे ये स्प्रिंकल्स भी नहीं बिल्कुल पसंद, रेनबो स्प्रिंकल्स तो। लेकिन हम थोड़ा सा ब्रेड एरिया खाएंगे और ऑलरेडी मेरा इतना ज्यादा हैवी हो चुका है ना फ्रूट सैलेड के बाद, तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं एक फिनिश कर चुकी हूँ। बिकॉज मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी, मैंने खाना शुरू कर दिया और देखा मेरी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने कैमरा ऑन था लेकिन ऑन करने का बटन नहीं दबा। तो अभी हम यही अपनी पैनिंग फिनिश कर देते हैं पेस्ट्री, क्योंकि ये पेस्ट्री मैं दिव्यम के लिए रखने वाली हूँ। इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकती, मैं ऑलरेडी एक हाफ खा चुकी थी। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज का चैलेंज कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर दिस वीडियो और अपने कमेंट्स में प्लीज अपने सजेशन शेयर करो कि आपको मेरे चैलेंजेस या मेरी वीडियोस कैसे अच्छी लगती हैं, आपको कैसे चैलेंजेस पसंद है, आगे आपको कैसे चैलेंजेस आप देखना चाहते हैं, ताकि अकॉर्डिंग मैं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग वीडियो को क्रिएट कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की वीडियो अगर थोड़ी सी बोरिंग लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज आज आफ्टरनून में मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, उसकी वजह से मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। लेकिन स्टिल चैलेंज लिया है तो पूरा करना है, तो फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद चैलेंज को कंप्लीट कर ही दिया। एटलीस्ट फाइनली ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। इसी अपना प्यार मुझे देते रहना, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।